हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फोर्थ क्लास किड्स. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड वेलकम बैक टू अवर 61 सेशन. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर. सो चिल्ड्रन, लेट्स बी स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सी चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी रीडर एंड विच क्लास इट इज? फोर्थ. एंड व्हाट्स इट्स नेम? बाल सुमन. आर यू रेडी विद दिस रीडर? ओके, नाउ ओपन योर रीडर्स. So children, what we learned in our previous class, which lesson is going on? हम हमारी previous class में क्या पढ़े थे बच्चों, कौन सा lesson चल रहा है? Our third lesson is going on, okay? What is our third lesson name? Krishna और Sudama. यहाँ पर हम कृष्णा और सुदामा के बारे में पढ़े थे, इनकी मित्रता के बारे में. तो चलिए, last previous class में देखिए, हम पेज नंबर 14 पे यहाँ पर एक्सरसाइज बिट करे थे, यानी कि रीडर पार्ट करे थे. पेज नंबर 14 पर आ बिट और ई बिट, ठीक है. आ बिट में देखिए, आपको यहाँ पर उचित शब्दों से खाली स्थान भरना था, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाली बिट थी, जो कि आपको रीडर में कंप्लीट करने थे. नेक्स्ट ई वाली बिट देखिए, आपको यहाँ पर एक साथ दो दो बार आने वाले शब्द पहचान कर लिखना था. जैसे कि आपको इसे हम बताए थे कि एक साथ दो दो बार जो शब्द आते हैं उसे युग्म शब्द ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है. तो ऐसे शब्द आपको पार्ट में से पहचान कर लिखना था, ठीक है. ये बिट देखिए, आपको आपके नोट्स में कंप्लीट करना था. आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे. तो चलिए, आज हम नेक्स्ट बिट कंटिन्यू करेंगे. ई बिट, कृष्णा सुदामा पार्ट से संबंधित शब्दों को इस वर्ग पहली से चुनकर लिखिए. कृष्णा सुदामा, यानी कि हमारा जो पार्ट है, यानी कि जो लेसन है, कृष्णा और सुदामा, उससे संबंधित आपको क्या करना है, उससे संबंधित शब्दों को इस वर्ग पहली में, यानी कि यह वर्ड पजल जो है, ये बॉक्स है, ये वर्ड पजल, उसमें से आपको कृष्णा और सुदामा, उसमें लेस पार्ट से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ पर वर्ग पहली में ढूंढना है, यानी कि वर्ड पजल में. ओके, चुनकर यहाँ पर खाली स्थान जो दिया गया है यहाँ पर लिखना है. ओके, तो चलिए, वन इज डन फॉर यू. यहाँ पर फर्स्ट वन कम्प्लीट है आपके लिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो शब्द है, यहाँ पर आश्रम है, ठीक है. आ श्र मा, यहाँ पर देखिए पहला जो अक्षर है, यानी कि लेटर है, आ है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर श्र है. थर्ड वन जो है वो माँ है, ठीक है. आश्रम, आश्रम मीन्स हॉस्टल, ठीक है. प्राचीन समय की एक पाठशाला जो होती है उसे आश्रम बोलते हैं हिंदी में. तो वन इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन कम्प्लीट है. नेक्स्ट देखिए, आपको चुनना है, यहाँ पर पहचान कर लिखना है, जो कि आपको कृष्णा और सुदामा जो पाठ है उससे संबंधित. तो नेक्स्ट देखिए आप, माँ, ये माँ जो अक्षर है, माँ. नेक्स्ट देखिए, हाँ, ऐसे नीचे आना है आपको इस तरह से, माँ हाँ ल, या बन गया ये शब्द माँ हाँ ल महल, ठीक है. माँ हाँ ल महल, देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर गोला करना है, यानी कि राउंड अप बनाना है. राउंड अप कर ये शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है, सेकंड जो है माँ हाँ ल महल, ठीक है. तो दूसरा जो शब्द है आपका महल है, फर्स्ट जो है आश्रम है. ओके, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट थर्ड वन लिखना है. देखिए तीसरा जो शब्द है यहाँ पर है, इस तरह से देखिए, भा, पहला वाला जो अक्षर है हमारा यहाँ पर भा है. नेक्स्ट देखिए नीचे, इस तरह से नीचे के वाले बॉक्स में ज, भ, ज, न, क्या बनेगा ये शब्द? यस, भजन. भ, ज, न, भजन. भजन मीन्स यस, हिंदूज का जो प्रे वगैरह होता है, भजन पूजा वगैरह, तो उसे हिंदी में भजन बोलेंगे. जैसे कि हमारे सुदामा जो थे गांव में रहकर भजन वगैरह किया करते थे. तो देखिए आपको यहाँ पर ये जो भजन शब्द है यहाँ पर तीसरे वाले में लिखना है, ठीक है. थर्ड जो नंबर है वहाँ पर भजन लिखना है, भ ज न, भजन. तीसरा जो है आपको भजन है. नेक्स्ट फोर्थ देखिए, यहाँ पर ऊ पा, उपा, उप, यहाँ पर देखिए उपा क्या रूप बन गया, उप. नेक्स्ट देखिए, हा को आ की मात्रा रा, इस तरह से नीचे आना है आपको, उपा उप, हा को आ की मात्रा रा, क्या बनेगा ये शब्द? यस, उपहार. उपा उप, हा को आ की मात्रा रा, उपहार. तो ये बन गया बच्चों शब्द उपहार. तो इसके ऊपर आप गोल घेरा लगाइए, यानी कि राउंड अप करिए. तो चलिए, उपहार जो शब्द है आपको यहाँ पर फोर्थ वन में लिखना है, उप, हा को आ की मात्रा रा, उपहार. उपहार मीन्स यस, गिफ्ट, और इसे हिंदी में उपहार भेंट भी बोलते हैं, ठीक है. चलिए, इंग्लिश में इसे गिफ्ट बोलेंगे उपहार को. आपको देखिए यहाँ पर उपहार जो शब्द है यहाँ पर फोर्थ वन में लिखना है. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, यहाँ पर चा को आ की मात्रा, च, व, ला, क्या बनेगा शब्द ये?
चाकुआ की मात्रा चा वाला वल क्या बनेगा यस चावल चावल मीन्स राइस जो हम घर में बनाते हैं ना राइस उसे हिंदी में चावल बोलेंगे नेक्स्ट चावल तो इस तरह से जो शब्द है चावल तो इसे आप उसको गोल घेरा लगाइए इस तरह से लगाकर ये जो शब्द है यहाँ पर लिखिए फिफ्थ वन में पांचवा जो यहाँ पर नंबर है उसमें लिखिए चाकुआ की मात्रा चा व ल चावल फिफ्थ वन है चावल नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ भा यहाँ पर देखिए भा इस तरह से नीचे आइए भा व न क्या बनेगा शब्द भा व न यस भवन भा व न वन भवन देखिए भवन को इस तरह से आप गोल घेरा लगाकर ये शब्द को भवन को यहाँ पर लिखिए भा व न भवन भवन मीन्स यस बिल्डिंग वगैरह जो होता है इसे हिंदी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है उसे हिंदी में भवन बोलेंगे देखिए हमारा छठा जो शब्द है भवन है तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में यहाँ पर लिखना है भवन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सिक्स्थ हो गए हैं नेक्स्ट देखिए सेवन्थ वन यहाँ पर है बा च बच पा ना क्या बनेगा ये शब्द यस बचपन ब च बच पाना पन बचपन बचपन यहाँ पर जो शब्द बन गया हमारा बचपन तो इसको उसको इस तरह से यहाँ पर गोर घेरा लगाइए यानी कि राउंड अप करिए ये शब्द को राउंड अप कर यहाँ पर लिखिए आपके सेवन्थ वन नंबर में ओके ब च बच पाना पन बचपन बचपन मीन्स यस चाइल्डहुड जो होता है उस हिंदी में बचपन बोलेंगे बचपन तो आपको यहाँ पर सेवन्थ वन में यहाँ पर बचपन लिखना है लास्ट देखिए आप हाँ को आई की मात्रा है राकू आ की मात्रा ना राकू आ की मात्रा ना हैरान हैरान मीन्स सरप्राइज आश्चर्यचकित हैरान देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो शब्द बना हमारा हैरान तो इसके ऊपर जो है आप गोल घेरा लगाइए तीनों अक्षर के ऊपर इस तरह से गोल घेरे में लेकर इसको इस शब्द बनाइए हैरान देखिए ये शब्द जो हैरान है आपको यहाँ पर लिखना है एट्थ वन में हाँ को आई की मात्रा है राकू आ की मात्रा ना हैरान हैरान यानी कि आश्चर्यचकित सरप्राइजित ठीक है तो आपको इस तरह से कृष्णा और सुदामा जो पाठ है उसमें संबंधित आए जो शब्द हैं आपको वर्ग पहली में से चुनकर यहाँ पर लिखना था खाली स्थान में ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर ई बीट इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द वीक टिल देन कंप्लीट दिस बीट इन यूर रीडर राइट नीटली एंड प्रॉपरली रीड एंड राइट ओके डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स रीड विद स्पेलिंग रीड एंड राइट रीड विद स्पेलिंग So inshallah we'll meet up our next class. Till then, take care. Have a nice day, everyone.